खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन, खेले कूदे दौड़े सन, नाचे कूदे झूमे सन। सी आई ई टी प्रस्तुत करता है उमंग 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 उमंग। उमंग में आज सुनते हैं प्रसिद्ध यूनानी कहानी पर आधारित कार्यक्रम वैली शी। जूता चाहिए। क्यों? देखो ना, इसके तले में कितना बड़ा छेद हो गया है। ये जूते ही घटिया हैं। अब की बार तुम दुकानदार से कहना कि इसमें दुकानदार क्या करेगा, ढंग से चीज इस्तेमाल नहीं करती और दोष देती है औरों को। लेकिन माँ, मोची से इसकी मरम्मत करवा ले। मोची से इसकी मरम्मत करवा ले, ये जूता सिलवाती नहीं है। क्या हुआ शनो, क्यों बड़बड़ा रही है? जानता है रमेश आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज मास्टर जी ने हमारी कक्षा के बच्चों की दौड़ करवाई। मैं खूब तेज दौड़ी, खूब तेज, तभी एक कंकड़ मेरे इस फटे हुए जूते में घुस गया और बस मैं आगे दौड़ ही नहीं सकी। नहीं तो मैं पहले नंबर पे आती। नहीं तो मैं पहले नंबर पे आती। दौड़ना आता नहीं है, जूते को दोष दे रही है। क्या कहा? मुझे दौड़ना नहीं आता, बताऊँ अभी? बता बता। अभी बताती हूँ। दादाजी देखिए ना, शन्ना मेरे पीछे पड़ी है। अरे क्या हुआ, घर के अंदर क्यों दौड़ रहे हो? अरे दौड़ना है तो मैदान में दौड़ो। दादाजी ये कहता है मैं दौड़ में पहले नंबर पर नहीं आ सकती। और क्या? अरे क्यों नहीं आ सकती? हमारी शन्नो की ही तरह एक और लड़की थी, वेलिशी। वेलिशी, बड़ा अजीब सा नाम है। तुम्हें इसलिए अजीब लग रहा है बेटा क्योंकि ये विदेशी नाम है। वेलिशी यूनान की रहने वाली थी। उन दिनों ओलंपिक खेलों में स्त्रियां भाग नहीं ले सकती थी। हाँ, लेकिन वेलिशी ने इस प्रथा को चुनौती दी। पिताजी, पिताजी, आपने सुना ओलंपिक खेलों में होने वाली रथ दौड़ में हिस्सा लेने के लिए जानते किसे भेजा जा रहा है? किसे बेटी? मिखालिस को। तो क्या हुआ बेटी? अगर वो रथ दौड़ में गया तो देख लीजिएगा, कभी प्रथम नहीं आ सकता। अच्छा, तू कैसे कह सकती है ये? जानते पिताजी, एक दिन हमारी रथ दौड़ हुई थी और मैंने तो बड़ी आसानी से उसे पीछे छोड़ दिया था। जानता हूँ, जानता हूँ। मेरी बेटी जैसा रथ इस गांव में कोई नहीं चला सकता। पिताजी, तब फिर मिखालिस को क्यों भेजा जा रहा है? मुझे क्यों नहीं पिताजी? ओफ़ाई, क्या कह रही है तू? हे ज़ियस देवता, मेरी इस नादान बच्ची को क्षमा कर देना। अरे मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया पिताजी जो इस तरह देवता से क्षमा मांग रहे हैं? जानती भी है तू क्या कह रही है? इन खेलों में लड़कियां भाग नहीं ले सकती। क्यों पिताजी, अगर लड़के भाग ले सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? ओफो, हमारे पुरखों की यही परंपरा है बेटी। परंपरा? पिताजी, परंपरा इसलिए बनी होगी क्योंकि कोई लड़की खेलों में भाग लेने के योग्य ही नहीं होती होगी। लेकिन सोचिए, यदि मैं इस योग्य हूं तो मुझे क्यों नहीं भेजा जा सकता? ओफो, तेरे हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है बेटी। तो फिर किसके पास है? मुखिया जी के पास। वही निर्णय करते हैं कि हमारे गांव से कौन खेलों में हिस्सा लेने जाए। ठीक है, तो फिर आप मेरे साथ मुखिया जी के पास चलिए ना पिताजी। ओफो, क्या पागलपन है बेटी, मेरे कहने भर से क्या वो तुझे रथ दौड़ में हिस्सा लेने भेज देंगे? आप चलकर उनसे बात तो कीजिए पिताजी। पिताजी चलिए ना अभी। और क्या, अब ओलंपिक खेलों में दिन ही कितने रह गए हैं, चलिए ना अभी चलिए। ओफो, ये लड़की भी बड़ी जिद्दी है। चल।
पिताजी, मुखिया जी ने क्या कहा? बेटी, वे और लोगों से सलाह करके बतलाएंगे। चल बेटी, चल अब घर चल। चलो। Αγώνων έναρξης. देखो स्टेडियम के उस छोर पर वो सजे हुए रथ कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ भाई, मुझे तो सबसे ज्यादा आनंद रथ दौड़ में ही आता है। अच्छा, इसे देखने ही तो मैं अपने गांव से आया हूँ। लगता है दौड़ शुरू होने वाली है। हाँ हाँ, क्या तुम्हारे गांव से भी कोई इस दौड़ में शामिल होने आया है? नहीं भैया, हमारे गांव से तो कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक युवक आया था, लेकिन उसे विजय नहीं मिली। वो देखो, दौड़ शुरू करने का इशारा भी हो गया। अरे वाह वाह वाह, कैसे सुंदर रथ हैं और कैसे सजीले सवार हैं। अरे वो लाल रंग का रथ देखो, कैसी तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। वो लगता है वही जीतेगा। शाबाश शाबाश, और तेज चला। ये बात, ये हो बात। देखो देखो, पीछे से वो सफेद रथ कितनी तेजी से चला जा रहा है। अरे हाँ, आ तो रहा है। अरे उसने तो लाल रथ को भी पीछे छोड़ दिया। अरे लाल रथ को ही क्या, सब रथों को पीछे छोड़ दिया। कमाल है भाई, हैं? पहले तो लग रहा था कि लाल रथ वाला जीतेगा, पर अब लगता है कि देखो देखो, रथ स्टेडियम के इस ओर आ रहा है। हा? अब सवार को देख पाएंगे। हा? ये क्या क्या हुआ? मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही हैं? है? इस सफेद रथ का सवार तो कोई लड़की है। क्या कहते हो भाई? देख लो भैया, खुद अपनी आंखों से देख लो। क्यों, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? कह तो ठीक रहे हो, लेकिन ओलंपिक खेलों में लड़की? अरे वाह वाह, शाबाश। अरे तेज तेज और तेज और तेज और तेज चलो। देखा, कुछ भी कहो, लड़की रथ खूब दौड़ाती है। देखो देखो, वो सभी रथ सवारों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई है। लाल रथ वाला उसके पीछे पीछे ही है। कोशिश तो बहुत कर रहा है पर जी नहीं, अब वो उसे नहीं हरा सकता। दौड़ तो खत्म होने ही वाली है। अब वो देखो, अरे वो देखो, पहुंच गई पहुंच गई। जीत गई जीत गई लड़की, जीत गई लड़की, जीत गई। भाई इस लड़की ने तो कमाल ही कर दिया, ओलंपिक खेलों में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। भाई वाह भाई वाह, क्या रथ दौड़ाया है। अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया, बहुत मजा आया। इस तरह वेलिशी रथ दौड़ में प्रथम आई। सुन लिया रमेश, अब मैं भी दौड़ में पहले नंबर पर आकर दिखाऊंगी। पहले नंबर पर आके दिखाऊंगी, पहले अपने जूते की मरम्मत तो करवा ले, नहीं तो कहेगी कंकर घुस गया। अच्छा, तूने फिर से शुरू कर लिया, अभी बताती हूँ। वेलिशी, अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार जैमिनी कुमार, सुनीति कोहली, KS पवार, शोभना जगदीश, यमन कौशिक और मालती कौशिक, ध्वन्यांकन सतीश लाडे, संगीत यूनानी दूतावास के सौजन्य से, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।